अल चांग बलोच एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी सदर सरदार असलम खान चांग की सदारत में पकाचांग में इजलास मुंतकिद किया गया, जिसमें मरकजी अहदेदारान रईस आलिम खान चांग, सीनियर साफ इमदाद हुसैन चांग, रईस कादिर बख्श चांग, रईस निसार चांग, रईस अमानत खान चांग, रईस कमाल खान चांग समेत चांग बिरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर आल चांग बलोच एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी सदर सरदार असलम खान चांग ने टुडे न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि आल चांग बलोच एसोसिएशन की मीटिंगें चल रही हैं, मैं तंजीम का सदर हूं उसमें, आल चांग बलोच एसोसिएशन मरकज़ का, और हमारी तंजीम जो है यूए 82 में हमने हमारे बड़ों ने बनाई थी, जो उनके आगे चल के फिर 92, 93, 94 में जो हमारे बड़े हैं कुछ वो गुज़र गए, जिसमें हमारी बिरादरी जो है वो फिर पीछे हो गई। उसी लाइन को हमने उठाया है और उसी चीज़ को उठाया है, हम घर घर जाएंगे चांग बिरादरी के पूरे, क्योंकि ये आल पाकिस्तान चांग वेलफेयर एसोसिएशन है, आल चांग बलोच एसोसिएशन पर आल पाकिस्तान चांग बलोच एसोसिएशन, हम घर घर जाएंगे, हर सूबे में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, इंशाल्लाह चांग कम्युनिटी को हम जोड़ के रहेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारी कवरेज ली। जैसे कि ये जो मिशन है सरदार यूसुफ खान का चांग का, जो सरदार असलम चांग ले के चले हैं पूरे पाकिस्तान में, और हर गरीब की आवाज़ है सरदार असलम खान चांग साहब, वो हर गरीब की आवाज़ है। सरदार चांग बलोच एसोसिएशन के मरकजी सदर सरदार असलम खान चांग ने अपनी बिरादरी के हकूक़ की जद्दोजहद का भी ऐलान किया। कैमरामैन काशिप चांग के साथ वकास चांग, टुडे न्यूज़, फैजगंज।